हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम ब्लॉगर आगरा। सो गाइस, आज का मिनी ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज है शौहर का बर्थडे। तो बिग फैमिली हम आ गए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने शौहर का, और हम पहुंच गए हैं अभी टेम्पटेशन। तो बस यहां पर गपशप चल रही है फैमिली की। मोनल भैया से बोल रही है कि पता नहीं क्या ऑर्डर करवा रही है अपना फेवरेट, शायद कैमरे की तरफ अटेंशन खिंचवा रही है। और यहाँ पर देखिए आदिया कितनी एक्साइटेड हो रही है भाई। और ये है हमारी निष्ठा, ये देखिए, ये ना, ये हैं माँ और बेटे, माँ और बेटे की मस्ती चल रही है। तो विद फैमिली फन करने डार्लिंग का बर्थडे सेलिब्रेट करने डीएम सिस्टर्स पहुँच गई हैं टेम्पटेशन। बट ये देखिए, अब आ गए बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, ये देखिए। तो बस यहाँ पर डीएम सिस्टर्स की मस्ती चल रही है, कैमरे की तरफ देखते नहीं है ना ये, तो हमें ज़बरदस्ती मतलब अटेंशन खिंचवाना पड़ता है इन लोगों का। तो बस यहाँ पे आ गया गाइस गर्मा गर्म सूप। तो सभी लोग यहाँ पे सूप के मज़े ले रहे हैं, और सूप तो सबको ही अच्छा लगता है। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो आप भी दो सिप ले लीजिए भाई, बड़ा यमी यमी वाला सूप है। हमारे भव्य को ना हर चीज़ हमें खिलानी पड़ती है, मतलब अपने आप से ये कुछ नहीं खाते। आद्या का तो मतलब हर चीज़ फेवरेट हो जाती है, सूप भी पिएंगी, पनीर की सब्ज़ी भी मन पसंद आती है, और भव्य को हमें खिलाना पड़ता है। लेकिन भव्य भी सीख जाएंगे, आद्या सिखाई देगी अपने भाई को कि भव्य सारी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तभी हेल्दी बनते हैं। ये पिज़्ज़ा बर्गर इससे कुछ नहीं होता। और गाइस, मेरी एक आदत है कि मैं जाते ही मतलब साफ़ करने लग जाती हूँ प्लेट्स और कटोरी वगैरह, और सबसे करवाती हूँ साफ़ करो साफ़ करो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टिश्यू लेके सबके साफ़ करती हूँ यहाँ पर सब, मैंने बोला सब साफ़ कर रहे हैं चलो साफ़ करते हैं। उसके बाद बारी आती है फिर ये अनियन पर नींबू डाल के भाई, नमक डाल के। कौन कौन खाना पसंद करता है भाई? सभी खाना पसंद करते हैं। और ये अचार पता है किसके साथ काम आता है? ये आता है नवरत्न करी के साथ। अचार खाना बहुत ही टेस्टी लगता है गाइस, अगर आपने नवरत्न करी खाई है और उसके साथ में अचार की चटकारे, भाई वाह क्या बात है। तो यहाँ पे हमारा डिनर स्टार्ट होने वाला है, सब खाने वाले हैं। बस सारी चीज़ें आ चुकी हैं, दाल मखनी है, पाइनएप्पल रायता है, और साथ में है कढ़ाई पनीर, और डीएम सिस्टर्स की फैमिली। सो गाइस, अब लग रही है मुझे जोरों की भूख। तो बस यहाँ पे सब लोग अपना खाना शुरू करने वाले हैं, और जब भूख लगती है ना तो कैमरा कहाँ कहाँ रिकॉर्ड करना याद नहीं रहता। मैंने कहा पहले ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ भाई, और खाने की वीडियो आपको शायद ही देखने को मिले, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख। मैंने कहा चलो अभी दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया है, वो है आप लोगों के सामने, और आगे क्या क्या होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए डीएम ब्लॉगर आगरा, और आप भी हमारे साथ डिनर कर सकती हो गाइस। अगर आप चैनल पर पहली बार आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, तभी आप डीएम सिस्टर्स की वीडियो देख पाओगे सबसे पहले गाइस। तो हमारा डिनर हो गया है गाइस, मैंने बोला ही था कि मुझे भूख लग रही है तो मैं कैमरा में रिकॉर्ड करना भूल गई, बट यहाँ हमारा डिनर पूरा हो गया है और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। होता ही है ना गाइस, जब आपको भूख लगती है ना तो फिर कैमरा कहाँ रिकॉर्ड करना है कुछ भी याद नहीं है। तो बस यहाँ से हम वापस जा रहे हैं, और छोटी छोटी खुशियों को डीएम सिस्टर्स सेलिब्रेट करती हैं, और हमेशा खुश रहती हैं, हैप्पी रहती हैं, और सबको हैप्पी ही रहना चाहिए, क्योंकि मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। ज़िंदगी के मज़े लेने हैं तो हमेशा हैप्पी रहो, और अपनी छोटी छोटी जो खुशियों के जो पल होते हैं ना उनको आराम से इंजॉय करते रहो। तो गाइस चलते हैं घर पर अभी तो। अरे यहाँ मैं तो दिख ही नहीं रही, मुझे कहाँ छोड़ के जाने वाले हो भाई? अरे मैं आ गई, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।